हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ्ट्रान पीडियाट्रिक सिरप के बारे में, जो कि सिरप को छोटे बच्चों में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसा साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सेफ्ट्रान पीडियाट्रिक सिरप जो कि कोई फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 23 रुपए है, जो कि 60 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो हम देखते हैं कोट्रिमोक्सोजोल और इधर को देखते हैं ट्राइमीथोप्रीम 40 mg, सल्फा मेथॉक्साजोल 200 mg। दोस्तों दवा को कई सेवाओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, इस दवा को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर टू, फोड़े फुंसी की समस्या हो। नंबर थ्री, कान में इन्फेक्शन हो। नंबर फोर, यूरिन इन्फेक्शन हो। नंबर फाइव, घाव की समस्या हो तो घाव को भी ठीक कर देता है। नंबर सिक्स, निमोनिया हो। तो इस दवा को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। बाकी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी कई बीमारियों में चलवाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस दवा को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे के एज, वेट और कंडीशन देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चों को 1.5 ml देना है दिन में 102 बार, और 6 महीने से 1 साल तक को 3.5 ml देना है दिन में 102 बार। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को बढ़ाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस दवा के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बात दवा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि उल्टी, रैश, एलर्जी रिएक्शन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था इसका हमारा वीडियो सेफ्ट्रान पीडियाट्रिक सिरप के बारे में। और इस तरह के सिरप में और भी कई कंपनी के सिरप अवेलेबल हैं, जैसे कि बायोप्रीम सिरप, बैक्ट्रीम सिरप, प्रीम पैक सिरप, निकोट्रीम सिरप, जो कि सिरप बच्चों के लिए होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों सिरप एक ही है, बस कंपनी फर्क है, बाकी वर्क और इंग्रेडिएंट दोनों सेम होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।